तिलक किस लिए करते हैं कि हम जो हमारा आज्ञा चक्र होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। नॉर्थ का बेडरूम हमेशा हल्का रहना चाहिए और उसको किसी को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सोते हैं तो कभी भी लाइफ में ना सेटलमेंट नहीं आती है, आप कुछ स्ट्रॉन्ग कर नहीं पाएंगे, अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एकदम ठीक अगर आप भगवान के आगे बैठ के कुछ खाना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो वो इतना ऑस्पिशियस नहीं है। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप अजय जी? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हेमा जी। हेमा, डॉक्टर पुनीत है। दिस फॉर मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। अजय जी एंड हेमा जी हमारे आज के आ रहा हूँ मैं के होस्ट हैं। जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग इतनी ज़्यादा डेडिकेटेडली वास्तु को फॉलो करते हैं और इस शो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया सो डैट आप लोग कुछ सीख सकें और कुछ वास्तु को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके। हेमा जी थैंक यू सो मच एंड अजय जी आपका भी बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट इज आवर प्लेजर दैट वी आर कनेक्टेड टू यू। सेम हियर। वास्तु बहुत सिंपल है। मैं घर देख रहा हूँ आपका, बहुत ही ओपन और सिंपल है, लाइट भी आ रही है, एवरीथिंग इज ओके। सो हवा वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर हम देखें ये विंडोज़ आपने बनाई हुई हैं जो कि काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं, सो क्या इन विंडोज़ को आप ओपन करते हैं? जब ऑन वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कर्टनिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा टफ है। अजय जी आप ये जो विंडोज़ हैं क्या इनको आप ओपन करते हैं? नहीं, ओनली वंस इन अ वाइल फॉर क्लीनिंग। वंस इन अ वाइल, यस। इट इज़ बिकॉज ये विंडोज़ अगर ओपन नहीं होंगी तो आपके घर में जो फ्रेश एनर्जी है वो कैसे आएगी? विंडोज आर टू ओपन, दे आर नॉट फॉर डेकोरेशन, तो आप इनको ओपन ज़रूर कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम आपके घर की डायरेक्शंस को डिस्कस करते हैं। आपका जो ईस्ट है एक कॉर्नर में जा रहा है, नॉर्थ दूसरे कॉर्नर में जा रहा है, एंड सेम इज आपका यहाँ पे साउथ आ गया और वेस्ट इस कॉर्नर में आ गया, तो जो डायगनल डायरेक्शंस हैं वो उसमें वास्तु प्लानिंग करना अपने आप में बड़ा टफ हो जाता है। ओके। साउथ ईस्ट का डोर इतना ऑस्पिशियस नहीं होता पीस के लिए, ओवरऑल रिलैक्स्ड लाइफ के लिए, तो बाहर थोड़ी ग्रीनरी ज्यादा कीजिए। ओके। जितना ग्रीन शेड्स देंगे बाहर प्लांट्स की फॉर्म में उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पाम के प्लांट्स या दूसरे कोई भी प्लांट्स जो आप यूज करना चाहें करिए। फिर बाहर से सिल्वर का यूज कीजिए अगर आप रिलीजियस सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे कि स्वस्तिक, ओम, श्री, तो किसी भी ज्वेलर से आप ये सिंबल चांदी में बनवा लीजिए। ओके। और अपने दरवाजे के ऊपर लगाइए। अच्छा। अगर आप डेली तिलक कर सकते हैं, जैसे कभी भी हम मंदिर जाते हैं भगवान को तिलक करते हैं, खुद को भी तिलक करते हैं। तिलक किस लिए करते हैं कि हम अवेयर हो जाएं, हम इस जगह पर जो हमारा आज्ञा चक्र होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ नॉलेज चक्रा, जिससे हमारा इंट्यूशन, हमारी ओवरऑल मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम सेंट्स को देखते हैं दे आर वेरी इंट्यूटिव, तो उनके तिलक ज़रूर लगा हुआ होता है। सो इट मीन्स यू आर आइडेंटिफाइंग एंड यू आर हाईलाइटिंग योर आज्ञा चक्रा। तो इसी तरीके से जो घर का सेंटर है वो आपके घर का आज्ञा चक्र बन गया। इसको अगर आप एक्टिवेट कर देते तो घर में नॉलेज, घर में एजुकेशन, घर में अवेयरनेस एकदम डल होकर के OTT जो प्लेटफॉर्म के सीरियल्स होते हैं वो हमें दबा देते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को ओवर शेडो कर जाएंगे क्योंकि हमारी अपनी पर्सनैलिटी नहीं निकलेगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप रोली का तिलक, जो कि रेड कलर का वर्मिलियन होता है, उसको सरसों के तेल में
बना के तिलक कर देंगे, एवरी डे तिलक करेंगे, तो आपके घर की एंट्री एनर्जाइज हो जाएगी, आपको ट्रबल नहीं होगी इसको हैंडल करने में. ओके, सो नाउ वी आर हेयर, आपके घर के सेंटर अप्रोक्सीमेटली ब्रह्म स्थान में खड़े हैं. सो ये जो ब्रह्म स्थान है, आप देखें, दिस इज कम्प्लीटली फ्री. दिस इज समथिंग वेरी नाइस विच आई एम सीइंग हेयर. आई एम अप्रिशिएटिंग कि ये जो ब्रह्म स्थान है खाली है, इससे आपके हॉराइजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है. लाइक यू गेट थिंग्स इन योर किटी, बहुत अच्छी एनर्जीज आती हैं आपके घर में. कभी आपने स्विल देखा है जो एक हवा क्रिएट करती है, तो वो वैसा स्विल एनर्जी का यहाँ बनता है और पूरे घर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल जाती है. ओके, सो दिस इज नाइस, यू कैन डू दैट. अब आप मुझे दिखाइए आप दूसरे रूम से आपके कहा. ये हमारा एक गेस्ट रूम है नीचे. अच्छा, ये आपका एक गेस्ट रूम है. और ठीक है, हम आप मुझे यहीं से बताइए सो दैट वी कैन इजीली विजुलाइज. तो इधर ये नॉर्थ का रूम हो गया. आपको मालूम है नॉर्थ का बेडरूम हमेशा हल्का रहना चाहिए और उसको किसी को यूज नहीं करना चाहिए. बेसिकली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मेंबर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको तो बिल्कुल यहाँ नहीं सोना चाहिए. इससे उनकी हेल्थ में इश्यूज आएंगे, हेल्थ में ट्रबल आएगी, लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी, उनकी सोच भी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं होगी. और इसके साथ अगर टॉयलेट अटैच्ड है, तो ये कुबेर के स्थान पर जो टॉयलेट आ गया, तो नॉर्थ का टॉयलेट अच्छा नहीं होता. तो इसके लिए कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं. लाइव वास्तु सी सॉल्ट आप रखें. ओके, वी हैड प्लान एंड रिसर्च एंड यूज लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो जो हम इन टॉयलेट्स में यूज करते हैं. सो उससे उसके डिफेक्ट्स ठीक हो जाते हैं. सो ये हमारा एक गेस्ट रूम था. इसके साथ में गेस्ट रूम की यूसेज मैंने आपको बता दी. आइए अब मुझे दूसरे रूम से मैं आपको अपना मास्टर बेडरूम दिखाता हूं. जी, ये हमारा मास्टर बेडरूम है. अच्छा, ग्रेट. और इसके साथ में अटैच टॉयलेट है. ऑल राइट, सी इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है. अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो वायु की दिशा मानी जाती है. ओके, एयर एलिमेंट है. अगर आप यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, सोते हैं और ओवरऑल अपनी एक्टिविटीज़ डे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कभी भी लाइफ में ना सेटलमेंट नहीं आती है. ओके, आप कुछ स्ट्रॉन्ग कर नहीं पाएंगे, अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे. आपके माइंड में दो तीन चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी जिसमें आप डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे. ओके, इसमें पर्सनल लाइफ भी इंक्लूड होती है कि बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन दिलाना है, मुझे ऑफिस कहाँ लेना है, मुझे आज किससे बात करनी है, आज मुझे क्या काम करना है. यू विल बी टोटली इनडिसिजन. ओके, सो इस जगह पर अगर आप रहते हैं तो पर्ल वाइट कलर करवाइए इस रूम में. ओके, एंड ओवरऑल एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्मेशंस भी यूज कीजिए, प्लस मैं एनर्जीज को करेक्ट करने के लिए भी आपको कुछ उपाय दूंगा. ठीक है सर, बिल्कुल जी, वी विल फॉलो. जी आइए, यहाँ एक हमारा पाउडर रूम है. ऑल राइट, ये पाउडर रूम आपका वेस्टर्न साइड पे आ गया, विच इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेस्ट में जितने भी टॉयलेट्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई इशू नहीं है उसमें. आइए मैं आपको अपना डाइनिंग टेबल दिखाता हूँ. जी बिल्कुल, ये हमारा डाइनिंग टेबल है और यहाँ हमारा एक डोर होता था, उसको हमने परमानेंटली क्लोज कर दिया है. ऑल राइट, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डाइनिंग आपका सुंदर है, राउंड है, विच इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब भी हम डाइनिंग की बात करते हैं, या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, ऐसा डाइनिंग बिल्कुल ठीक रहता है. और जितना भी फर्नीचर हम वुड का लेते हैं, वुड यूज़ करते हैं, तो वुड अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है. okay. जो कि हमारी जो बैड एनर्जीज होती हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस होती है, उसको भी रिमूव करती है. ओके, आ रहा हूं मैं पॉजिटिव एनर्जी को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूं. ये हमारा डाइनिंग एरिया है और यही हम पूजा भी करते हैं, हमारा छोटा सा टेंपल है. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपकी लिविंग एरिया है, यहाँ आप बैठते हैं और सामने मंदिर है. वास्तु में स्पिरिचुअलिटी, मंदिर, उसमें तो यही कहा जाता है
कि मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो ये मंदिर आपका ईस्टर्न साइड पे आ रहा है, विच इज ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एकदम ठीक अगर आप भगवान के आगे बैठ के कुछ खाना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो वो इतना ऑस्पिशियस नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि आप मंदिर को थोड़ा सा स्क्लूड कीजिए, ओके, इसके आगे एक कर्टन लगाइए, ओके, सो डैट जब आप दिन में बैठे हुए हैं तो भगवान को जब हम अपनी अटेंडेंस देते हैं तो हम स्पेशली उनसे मिलने जाते हैं। करेक्ट, एक उनकी अलग से जगह है, हम उनसे मिलने जाते हैं। हर टाइम भगवान खुले हुए, उनके जो द्वार हैं खुले हुए और आप उनके सामने रिलैक्स्ड हैं, लेजर में हैं, यू आर स्पीकिंग, यू आर डूइंग बिजनेस, और बहुत ओवरऑल डे की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड स्पिरिचुअलिटी के लिए। सो थोड़ा सा कर्टनिंग कीजिए तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो हमारा सबसे बड़ा एक और भी पॉइंट है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे अबाउट किड्स। किड्स आर नॉट फोकसिंग वेरी वेल ऑन स्टडीज, सो दैट इज़ आर बिगेस्ट कंसर्न नाउअडेज, बिकॉज दे आर इन द ग्रोइंग फेज एंड दे डोंट स्टडी एट ऑल। सो कैन यू सजेस्ट अस समथिंग सो दैट दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टडीज। किड्स की वरी करना पेरेंट्स का एक राइट होता है, उनका एक लाइफ का पार्ट बन जाता है कि किड्स क्या करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए, फ्री टाइम मीन्स लेट देम डू देयर ओन। एंड एज फार एज डायरेक्शंस इज कंसर्न, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये दोनों डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं स्टडी करते हुए फेस करके बैठने के लिए। सो जैसे आप बैठे हैं होम में, किसी भी सिचुएशन में उनका फेस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए। सो ये दो बातें आपने हमेशा से ध्यान रखनी है। एक मुझे आपसे एक क्वेश्चन और करना था कि अगर बच्चों को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना है तो उनकी बुक शेल्फ कहाँ पर होनी चाहिए? बुक शेल्फ कैन बी ऑन वेस्ट वॉल, दिस इज द बेस्ट थिंग, ओके, दे कैन स्टोर देयर बुक्स। ओके, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट इज आवर प्लेजर दैट वी आर कनेक्टेड विद यू बिकॉज वी बिलीव इन वास्तु अ लॉट, सो वी डोंट वॉन्ट टू डू एनी मिस्टेक्स, फर्दर मिस्टेक्स इन आवर लाइफ। आई एम विद यू, सो माई टीम इज ऑलवेज देयर विद यू, डोंट वरी फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.